मोटोरोला एज प्लस वर्सेस गूगल पिक्सल 6a कंप्लीट कैमरा कंपैरिजन। एज प्लस में हमारे पास 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, जबकि 8 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो जूम कैमरा। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो मोटोरोला का हार्डवेयर काफी तगड़ा है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास पिक्सल 6a में काफी लिमिटेड हार्डवेयर है। 12.2 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जबकि 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। कंपैरिजन काफी तगड़ा होने वाला है क्योंकि दोनों डिवाइसेस ऑलमोस्ट एक ही प्राइस रेंज में फॉल करती हैं। इवन कुछ केसेस में पिक्सल 6a थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली जा पड़ता, पर इस कंपैरिजन के रिजल्ट्स आपको हिला डालेंगे क्योंकि ये मेरी उम्मीद से भी काफी हटके आई हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एक सेकंड लगेगा पर मुझे इससे काफी मोटिवेशन मिलती है। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं जरा डेटम फोटोग्राफी से, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोनों कैमरास की यूआई काफी डिफरेंट है। राइट साइड में छोटा वाला पिक्सल 6a है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसकी कैमरा यूआई कितनी ज्यादा क्लीन है। आप लोग कैमरा के सारे फीचर्स वन हैंड से ट्रिगर कर सकते हैं, जैसा कि मल्टीपल कैमरा मोड्स के बीच में स्विचिंग, कैमरा में जूमिंग, फ्रंट बैक कैमरा के बीच में स्विचिंग वगैरह। जबकि सेम चीज करने के लिए मोटोरोला में आपको दोनों हाथ का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जूमिंग स्लाइडर लेफ्ट साइड में और कैमरा की बाकी सारी सेटिंग टॉप पे। तो गूगल की कैमरा ऐप इजी यूज है, जो आपका कैमरा एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बेटर बनाती है। अभी मैंने कैमरा की सारी फोकल लेंथ से फोटोस कैप्चर कर ली और आपको बारी बारी इनके रिजल्ट्स दिखाता हूँ। पहली फोटो दोनों फोन्स के अल्ट्रा वाइड कैमरा की, और आप लोग देखें कितना ज्यादा डिफरेंस है। मोटोरोला की फोटो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, पता ही नहीं चल रहा कि 16 मेगापिक्सल का कैमरा, जबकि 6a की फोटो एक तो काफी ज्यादा शार्प है और फोटो का HDR काफी सॉलिड है। 6a का कैमरा काफी एक्यूरेट कलर्स कैप्चर कर रहा है और फोटो काफी ज्यादा वाइब्रेंट है, जबकि एच प्लस की फोटो में आपको काफी क्लियर ग्रीनिश ह्यू नजर आ रहा होगा, जो कि सारी फोटो को ग्रीन कर रहा है। फोटो के इस पार्ट को देखें, यहाँ पे ग्रीनिश टिंट आ रहा है, और आसमान को भी देखें वो भी ग्रीनिश हो रहा है। अब ये फोटोस दोनों फोन्स के मेन कैमरा से ली हुई हैं, एक तरफ 12.2 मेगापिक्सल का कैमरा जबकि दूसरी तरफ 108 मेगापिक्सल का कैमरा। अब ये सबसे बड़ी एग्जांपल है कि कैमरा क्वालिटी किसी भी फोन की कैमरा के मेगापिक्सल काउंट पे कम और कैमरा की क्वालिटी पे ज्यादा डिपेंड कर रही होती है। गूगल में नो डाउट मेगापिक्सल कम है, पर मोटोरोला की निस्बत इसका पिक्सल साइज ऑलमोस्ट डबल है, और गूगल के मेन कैमरा का अपर्चर भी मोटोरोला से थोड़ा सा ज्यादा फास्ट है। उसके आगे आप लोग जानते ही हैं कि गूगल की कैमरा R&D और गूगल का कैमरा सॉफ्टवेयर काफी सॉलिड है, तो इस सारे कॉम्बो के रिजल्ट में आपको इस तरह की सॉलिड इमेजेस मिलती हैं। फोटो में कलर्स ऑन पॉइंट है, डायनेमिक रेंज काफी सॉलिड है, फोटो में डिटेल आप लोग चेक कर सकते हैं, जबकि मोटोरोला की फोटो अल्ट्रा वाइड कैमरा की निस्बत काफी हद तक बेहतर हो गई है। फोटो इतने ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, पर ग्रीनिश ह्यू आपको फिर भी देखने को मिल रहा है। फोटो में HDR भी काफी अग्रेसिवली अप्लाई किया गया, दरख्त के करीब आपको काफी ज्यादा हेलोइंग इफेक्ट नजर आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैं पिक्सल 6a की फोटो को प्रेफर करूंगा। ये फोटोस दोनों फोन्स के 3x जूम लेवल पे ली गई हैं, गूगल का डिजिटल जबकि मोटोरोला का प्रॉपर 3x ऑप्टिकल जूम लेंस से लिया गया। अब यहाँ पे भी सिचुएशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मोटोरोला की फोटो काफी हद तक म्यूटेड है और काफी ज्यादा सॉफ्ट है, जबकि गूगल की फोटो वाइब्रेंट है और काफी ज्यादा क्रिस्प है, पर इसमें शार्पनेस आर्टिफिशियली अप्लाई की हुई है। ऑर्गेनिक डिटेल्स की बात करें तो मोटोरोला काफी हद तक बेहतर है, इसकी फोटो को थोड़ा सा टचअप करके गूगल से कहीं बेहतर बनाया जा सकता है, बस मोटोरोला यहाँ पे अपने वीकर सॉफ्टवेयर की वजह से मार खा रहा है। अब जरा बारी आते हैं पोर्ट्रेट मोड की, तो दोनों फोन्स में ही पोर्ट्रेट मोड अवेलेबल है, और दोनों फोन्स ही पोर्ट्रेट मोड में हैवीली क्रॉपिंग करते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा, मैंने मोटोरोला पे जैसे ही पोर्ट्रेट मोड को ट्रिगर किया, कैमरा ऑलमोस्ट 2x तक क्लोजअप हो गया। इवन ये पिक्सल 6a से भी ज्यादा क्रॉपिंग कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 2x तक क्रॉपिंग करता है, और ये इंटेंशनली किया जाता है क्योंकि ह्यूमंस की फोटो दूर से कैप्चर करने पे ज्यादा बेटर आती है। कैमरा में डिस्टॉर्शन कम आता है और आपको रिलेटिवली फ्लैटर इमेज मिलती है। पिक्सल के पोर्ट्रेट मोड में आप मजीद भी जूम इन कर सकते हैं, पर मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मेन कैमरा से इतना ज्यादा क्रॉपिंग करने पे फोटो क्वालिटी काफी ज्यादा डिग्रेड हो जाती है। बाकी मोटोरोला के 3x जूमिंग लेंस से आप पोर्ट्रेट फोटोस कैप्चर नहीं कर सकते। पोर्ट्रेट मोड के रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे भी मोटोरोला एक जगह से बैकग्राउंड ब्लर करना भूल गया है। एज डिटेक्शन मोटोरोला में काफी हद तक बेहतर है, पर फोटो काफी ज्यादा फ्लैट है और थोड़ी सी सॉफ्ट है, जबकि 6a की फोटो वंस अगेन काफी ज्यादा वाइब्रेंट है और कलर्स काफी पंची है। एज डिटेक्शन यहाँ पे आपको अच्छी मिल रही है और ब्लर भी इवन अप्लाई किया गया। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं आपको मोटोरोला की फ्लैट इमेज प्रोफाइल अच्छी लग रही है या फिर आपको 6a की वाइब्रेंट फोटो अच्छी लग रही है। अब एक तरफ गूगल की 2x zoomed in फोटो है, जबकि दूसरी तरफ मोटोरोला की 1x पे ही ली गई फोटो है। 2x पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फोटो काफी ज्यादा बेहतर हो गई है, जबकि रियलिस्टिक टर्म्स में बात करें तो ये कैमरा का 2x कम और 3x zoom लेवल ज्यादा लग रहा है। तो इतनी हैवी क्रॉपिंग के बावजूद भी 6a की फोटो काफी हद तक सॉलिड है। बाकी मोटोरोला की फोटो इंप्रेसिव तो नहीं है, पर काफी हद तक यूजेबल जरूर है।
अब मैं दोनों फोन्स को एक्सट्रीम लाइटिंग कंडीशंस में लेके आया हूँ और यहाँ भी हम दोनों फोन्स का HDR टेस्ट करेंगे। तो सामने तेज चमकता हुआ सूरज है और हम उसके अपोजिट फोटोज क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे हमें दोनों कैमरास की एक्चुअल स्ट्रेंथ का आइडिया होगा। जो कैमरा सूरज को बेटर वे में एक्सपोज करेगा हम उसी को ही विनर डिक्लेयर करेंगे। कैमरा प्रीव्यू से तो मोटोरोला ज्यादा ब्राइट लग रहा है, शायद इसका 108 मेगापिक्सल अपना मैजिक कर रहा है। दोनों फोन्स का जूम लेवल 3x पे सेट करके जूमिंग टेस्ट भी कर रहा हूँ साथ साथ। और एक और इम्पोर्टेंट नोट, इनमें से अगर आपको कोई भी डिवाइस चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में पेज का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इजिली परचेज कर सकते हैं। मैं उनको रेकमेंड क्यों करता हूँ क्योंकि मैं उनका सारा प्रोसीजर देख चुका हूँ। बहुत सारे फोन्स की लॉट में से आपके लिए फ्रेश और जेन्युइन डिवाइसेस सॉर्ट आउट करते हैं, जो कि काफी लिमिटेड फोन्स होते हैं और उनको भी मजीद टेस्ट करते हैं। तो फोटोज मैंने क्लिक कर ली और अब जरा बारी बारी रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं। तो पहली फोटो दोनों फोन्स के अल्ट्रा वाइड कैमरा की है और यार मेरे बोलने की बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को खुद ही आइडिया हो गया होगा कौन सा फोन बेटर परफॉर्म कर रहा है। 6A की फोटो ह्यूज मार्जिन से विन कर रही है, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कितना बेटर वे में एक्सपोज किया गूगल ने। ये फोटोज दोनों फोन्स के मेन कैमरास की और यहाँ पे भी सेम ट्रेंड चल रहा है, मानो के जैसा 6A के HDR का पावर प्ले चल रहा हो। फोरग्राउंड देखें, ये दरख्त देखें, सामने ग्रास देखें, इवन सूरज के पास वाला दरख्त भी देखें कितना अच्छे से एक्सपोज किया हुआ है। वहीं पे 108 मेगापिक्सल आपके सामने बिल्कुल फेल है। अभी ये फोटो दोनों फोन्स के 3x जूम लेवल की है, पिक्सल 6A अपने मेन सेंसर से क्रॉप कर रहा है, डिजिटली जूम्ड है, जबकि मोटोरोला एज प्लस अपना डेडिकेटेड हार्डवेयर यूज कर रहा है 3x टेलीफोटो जूम कैमरा। और रिजल्ट्स आप लोगों के सामने, यार गूगल क्या चीज है यार। मैं खुद दिल से चाह रहा था कि मोटोरोला एज प्लस यहाँ पे विन करे, आपको कोई ऐसा फोन रेकमेंड करूं जो कि हार्डवेयर में भी काफी सॉलिड हो, पर ऐसा नहीं हो सका क्योंकि अपने लीक की डिवाइसेस को तो गूगल का कैमरा क्लीन स्वीप कर देता है। इनके साथ कंपैरिजन के लिए मुझे मजबूरन कोई लेटेस्ट फ्लैगशिप ही उठानी पड़ती है। देखो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुमने, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो में कमेंट करके बताओ कि मैं नेक्स्ट 6A को किस डिवाइस के साथ कंपेयर करूं। अब जरा बारी आती है एक्सट्रीम लाइटिंग कंडीशंस में पोर्ट्रेट मोड की, तो यहाँ से हमें आइडिया होगा कि दोनों फोन्स का HDR पोर्ट्रेट मोड में कितना सॉलिड प्ले करता है। दोनों कैमरास को सूरज के अपोजिट रख के फोटोज क्लिक कर रहा हूँ और अब आपको रिजल्ट्स दिखाता हूँ। पोर्ट्रेट मोड के रिजल्ट्स आपके सामने और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी ह्यूज मार्जिन से 6A लीड कर रहा है। एस्थेटिक्स वाइज एज प्लस की फोटो मुझे ज्यादा प्लेजेंट लग रही है, इसको हल्का सा एडिटिंग का टच मिले तो काफी सॉलिड इमेज निकल के आएगी। बट टेक्निकली HDR फोटो की डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे 6A काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फोरग्राउंड को काफी बेटर वे में 6A ने एक्सपोज रखा है। ये दोनों फोन्स का 2x जूम्ड इन शॉट है, मोटोरोला में आप लोग जूम इन नहीं कर सकते, तो मैंने मेन कैमरा का फोटो लेके उसको डिजिटली खुद क्रॉप किया। तो इस फोटो को मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग ने डिसाइड करना है कौन सा फोन बेटर परफॉर्म कर रहा है और आपको कौन सी फोटो पर्सनली ज्यादा बेटर लग रही है। अब जरा बात कर लेते हैं दोनों फोन्स की वीडियोग्राफी के बारे में। पिक्सल 6A के मेन कैमरा से आप लोग 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा से आप लोग 4K 30fps तक शूट कर सकते हैं, जबकि मोटोरोला एज प्लस में आप लोग 4K 30fps तक और साथ ही 6K 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं। 60fps वीडियो आपको सिर्फ 1080p मिलेगी, तो मैं दोनों फोन्स की वीडियो सेटिंग 1080p 60fps पे कर रहा हूं ताकि हमें दोनों फोन्स का फेयर रिजल्ट्स मिले। और एक और चीज, आप रिकॉर्डिंग के दौरान मोटोरोला के कैमरास के बीच में स्विच नहीं कर सकते, जैसे कि आप गूगल पिक्सल में इजीली कर सकते हैं और आप जूम इन भी कर सकते हैं। तो अब आपको जरा दोनों फोन्स का वीडियो सैंपल देता हूं ताकि आपको मजीद बेहतर आइडिया हो जाए। तो दोस्तों अभी हम शूट कर रहे हैं 1080p 60fps पे और मैं शूट कर रहा हूं दोनों फोन्स के अल्ट्रा वाइड कैमरा से, और अभी मैं आपको स्टेबलाइजेशन दिखाने के लिए थोड़ा सा चल रहा हूं। तो 1080p 60fps पे दोनों फोन्स की स्टेबलाइजेशन काफी अच्छी है और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो भी दोनों फोन्स की काफी हद तक स्मूथ है। मोटोरोला की वीडियो क्यों बंद हो गई है, क्योंकि मुझे मेन कैमरा पे स्विच करना था और आप लोग रिकॉर्डिंग के दौरान कैमरास के बीच में स्विच नहीं कर सकते। तो अभी हम दोनों फोन्स के मेन कैमरा से 1080p 60fps वीडियो शूट कर रहे हैं और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 6A की स्टेबलाइजेशन ज्यादा बेटर है, HDR भी 6A का ज्यादा सॉलिड है और कलर्स भी ज्यादा बेहतर प्रोड्यूस कर रहा है। पर 6A में आपको एक फ्लॉ देखने को मिलेगा, अगर आप इस पे 3-4 मिनट तक की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो कैमरा हीटअप हो जाता है और आपको कैमरा में वार्निंग मिलती है कि फोन का टेम्परेचर ज्यादा हो गया और जल्द वीडियो रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। तो दोस्तों ये था पिक्सल 6A वर्सेस मोटोरोला एज प्लस कंप्लीट कैमरा कंपैरिजन। लो लाइट मैंने इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि डे टाइम पे हमें काफी ह्यूज डिफरेंस देखने को मिला है, तो लो लाइट में मोटोरोला के जितने बुरे रिजल्ट्स आने थे मोटोरोला के यूजर डिसअपॉइंट हो जाते। बट सेफली अपनी टेस्टिंग के बाद मैं ये बात कह सकता हूँ कि 6A लो लाइट में मोटोरोला एज प्लस से दिन से भी ज्यादा ह्यूज गैप से बेटर परफॉर्म करता है। बाकी आज के विनर पिक्सल 6A है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए।